नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों, आज मैं आपसे इस पत्थरचट्टा प्लांट पर बात करूँगी। इसे ब्रायोफिलम भी कहते हैं और इसे मदर ऑफ थाउजेंड भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, सक्यूलेंट की वैरायटी है। इसमें इसके पत्ते जो होते हैं, इसकी लीव्स जो होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जमा होता है। ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखता है, इसलिए ये एक सक्यूलेंट की वैरायटी, एक सक्यूलेंट प्लांट है। बहुत ही आसानी से ग्रोथ करने वाला प्लांट है दोस्तों। बिना किसी केयर के ये प्लांट बहुत ही आसानी से चलता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। ये जो प्लांट है दोस्तों, ये इसका मेडिसिनल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। ये एक औषधीय प्लांट है। आयुर्वेद में इसका यूज़ बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप इस प्लांट को लगाएंगे तो इसके बेनिफिट आपको आपके घर में ही, आप इसे बहुत सी बीमारियों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है और बिना किसी केयर के ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। दोस्तों, ये जो प्लांट है ये बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है। जैसे हेडेक है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो, उसे भी ये ठीक करता है। इसका यूज़ उसमें भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में होने वाली जो पथरी होती है उसे भी, है उसके लिए तो ये रामबाण है। बिल्कुल आप ये समझिए कि इसका यदि यूज़ आप करते हैं तो आपको पथरी जैसी डिजीज़ से आपको निजात मिलती है, उससे आपको राहत मिलती है। वो पथरी जो है वो बिल्कुल आपके शरीर से, जड़ से ख़त्म हो सकती है इस पत्थरचट्टे प्लांट का यूज़ करके। तो दोस्तों, ये हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है, हमारी स्किन में होने वाली प्रॉब्लम को भी दूर करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। ये हमारे बालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, हमारे बालों का झड़ना रोकता है, अच्छी ग्रोथ होती है इससे हमारे बालों, इसमें यूज़ करने से। और जब भी आपको यदि हेडेक हो तो आप क्या करें, आप इस प्लांट के एक पत्ते को अपने सिर पर चिपका लें, उसे थोड़ी ही देर में आपको सिर दर्द से भी राहत मिलेगी। और पथरी के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आप रोज़ सुबह खाली पेट इसका एक पत्ता आप रोज़ खा लीजिए, तो आपको कुछ ही दिनों में जो पथरी है वो पित्त की हो, पित्ताशय की हो या किडनी की, किसी भी तरह की पथरी हो, उससे आपको इसमें, इसका यूज़ करने से, पत्थरचट्टा प्लांट का यूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी, आपकी पथरी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कई बीमारियों का इलाज, इससे अस्थमा जैसी बीमारी भी इससे ठीक होती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। यदि आपके घर में ये प्लांट नहीं है तो आप इसे अपने गार्डन में लगाइए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं कि इस प्लांट की केयर कैसी की जाए, इसकी ग्रोथ कैसी की जाए और इसका प्रोपगेशन किस तरह से किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करें, ये जो प्लांट है सक्यूलेंट है, लेकिन इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। यदि ये बहुत एकदम डायरेक्टली सनलाइट में भी आप इस प्लांट को रख देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। जितनी ज़्यादा सनलाइट इस प्लांट को मिलेगी ये उतने अच्छे से ग्रोथ करेगा। और सॉइल की बात करें दोस्तों, तो फुल ड्रेनेज वाली सॉइल होनी चाहिए, लेकिन आप सभी जानते हैं सक्यूलेंट की वेराइटी है, पानी इसके पत्तों में होता है, स्टोर होता है। तो आप ध्यान रखें कि जो सॉइल है वो ज़्यादा सॉगी नहीं हो, दलदल जैसी ना हो, गीली नहीं हो। आप पहले देख लें कि इसके पॉट में जो सॉइल है, तकरीबन 2 इंच तक इसकी सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए, तभी आप इसमें पानी दें। ऊपर अगर सॉइल गीली हो तो आप इसमें पानी ना दें, नहीं तो ये प्लांट जो है वो गलने लगेगा, इस प्लांट की जड़ें जो हैं वो गलने लगेगी। इसलिए आप पहले देख लें कि ये जो प्लांट है इसकी सॉइल जो है वो 2 इंच तक, या तो आप अपनी उंगली इस सॉइल में इस तरह से डालकर देख लें, यदि वो इतनी सॉइल जो है वो सूखी हो, आपको पता कैसे चलेगा, अगर सॉइल गीली होगी तो वो आपकी उंगली में चिपक जाएगी और अगर ड्राई हो जाएगी तो वो चिपकेगी नहीं। या फिर आप किसी भी चीज़ से इसकी सॉइल को चेक कर सकते हैं, ये पेन है, इस तरह से भी आप इसमें डाल के इसको ऐसे चेक करेंगे तो जो सॉइल है, ये देखिए दोस्तों सॉइल इसमें चिपक रही है, मतलब अभी सॉइल इसकी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट है, उसमें मॉइस्चर रहेगा। तो ये जब ये ड्राई हो जाए तभी आप इसमें वाटर दें। ज़्यादा सॉगी सॉइल के कारण इसकी जड़ें जो हैं वो गलेंगी और प्लांट जो है वो गलकर मरने लगेगा।
तो दोस्तों आप सॉइल इसकी फुल ड्रेनेज वाली होनी चाहिए। अब दोस्तों फर्टिलाइज़र आप इस प्लांट में ना भी देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, लेकिन यदि आपको फर्टिलाइज़र देना ही है तो आप इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। क्यों? क्योंकि हम इसे अपने बहुत से डिसीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, तो आप इसे केमिकल फर्टिलाइज़र ना देने, तो केमिकल फर्टिलाइज़र देंगे तो उसका रिएक्शन आपकी बॉडी में हो सकता है। तो साल में एक बार आप इसे किसी भी तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब दोस्तों इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो ये जो प्लांट है ये कटिंग से बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है, और इसकी जो कटिंग है वो आप 12 महीने में किसी भी समय लगाइए, ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा और ग्रोथ करने लगेगा। फुल सनलाइट मिलेगी तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। सेकंड दोस्तों, ये जो प्लांट है कटिंग से तो लगता ही है, लेकिन ये लीव से भी लगाया जा सकता है। इसका एक पत्ता आप तोड़ लीजिए और फिर उसे आप सॉइल में लगा दीजिए तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। आप जब सॉइल, आप ये देखिए दोस्तों, ये इसकी लीफ में ये जो कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, जो इस तरह की डिज़ाइन दिखाई दे रही है, तो इसके ये हर एक कॉर्नर में, जैसे ही आप लीफ से इस प्लांट को ग्रोथ करेंगे तो इसका ये जो कॉर्नर है यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है। तो आप लीफ से जब इसे लगाएंगे तब भी ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके हर एक कॉर्नर से एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है, इसलिए इस प्लांट को मदर ऑफ 1000 भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसका प्रोपोगेशन कटिंग से कीजिए या लीफ लगाइए तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अब दोस्तों ख़ास बात ये, आप इसको जब किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आप इसको कंज्यूम करते हैं, इसको खाते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप इसे ओवरडोज में ना लें, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और वो आपको होने लगेंगे यदि आप इसका ओवरडोज लेंगे तो। पथरी के लिए आपको इसको सुबह खाली पेट ही खाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो लीफ है ये मॉर्निंग के समय इसका जो स्वाद होता है उसमें खटास होती है इस पत्ते में, तो तभी आप इसे खाएंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ध्यान रहे कि इसका ओवरडोज ना लें आप, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको होंगे। तो इतना ध्यान रखना है कि आप इसका ओवरडोज ना लें, लिमिटेड इसका यूज़ करें तो ये बहुत अच्छे से आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे और आपको ये प्लांट बहुत अच्छे से आपके, जब भी आप इसको गार्डन में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और देखिए दोस्तों, देखने में ये सुंदर भी बहुत लगता है, बड़ी बड़ी लीव्स हैं इसकी और ये बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है। तो यदि आप अपने गार्डन में अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो आप ज़रूर, आपको जहाँ मिले लीफ ले आइए या कटिंग ले आइए, ये जो प्लांट है बहुत ही आसानी से ग्रोथ करता है। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।